गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको रुधिर के कार्यों के बारे में बताया था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है रुधिर समूह। आज हम रुधिर समूह पर चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप्स। देखिए, लेसन 24 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑफ ह्यूमन मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स, रुधिर समूह। देखिए, आज हम रुधिर समूह पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, हमने आपको रुधिर का संगठन के बारे में बताया था। रुधिर संगठन, ब्लड कंपोजिशन, ठीक है, ब्लड कंपोजिशन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया है कि रुधिर जो है, रुधिर का जो संगठन होता है उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं। दो भाग होते हैं रुधिर के संगठन के, दो भाग होते हैं। नंबर एक प्लाज्मा और दूसरा हमने आपको बताया था ब्लड कार्पल्स, रुधिर कणिकाएं। आपको बता दें, रुधिर के प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा भी कहते हैं, एंटीबॉडी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। और ब्लड कार्पल जो होती है इनके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। नंबर एक आरबीसी, नंबर दो डब्ल्यूबीसी, रक्ताणु श्वेताणु और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए, रक्ताणु की जो सतह होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं, यानी कि रक्ताणु की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है और आरबीसी या रक्ताणु में क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। देखिए, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए और दूसरे को बोलते हैं प्रतिरक्षी बी, जिसको हमने स्मॉल ए से और स्मॉल बी से क्या है, दर्शा है, या प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, दो। इसी तरीके से प्रतिजन, जिन्हें एंटीजन भी कहा जाता है, और एंटीजन जो होते हैं, ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एंटीजन ए, ठीक है, कैपिटल ए से दर्शा रहा हूं मैं यहां पे, और दूसरा होता है एंटीजन बी, यहां पे हमने इसको बी के द्वारा दर्शाया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारा ये मकसद था बताने का कि भैया रुधिर जो संगठन होता है, रुधिर जो होता है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, रुधिर के प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है।
अब हम आपसे बात करते हैं भैया, ये प्रतिजन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन। ठीक है, एंटीजन एक ऐसी आंतरिक या बाह्य प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? आंतरिक प्रोटीन भी हो सकती है मानव के शरीर के अंदर, या बाह्य प्रोटीन भी हो सकती है, जो रक्त में क्या काम कर सकती है, प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया को क्या करती है, प्रेरित करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि एंटीजन के बारे में हम बता रहे हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन या प्रतिजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिजन या एंटीजन जो होते हैं वो बाह्य प्रोटीन भी हो सकती है, या कैसी प्रोटीन हो सकती है, आंतरिक प्रोटीन होती है। और ये बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन जो होती है, बाह्य प्रोटीन या फिर कौन सी प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है, ये बाह्य आंतरिक प्रोटीन क्या काम करती है, रक्त के अंदर, रक्त में किसके निर्माण की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रतिरक्षियों के बनने की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, या प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन या उसे प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन या प्रतिजन की परिभाषा क्या निकल के आई कि वह आंतरिक या बाह्य प्रोटीन, वह आंतरिक या बाह्य प्रोटीन जो रक्त में प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं उसे प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, वह बाह्य प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन, ठीक है, कोई बाह्य प्रोटीन हो सकती है या शरीर के अंदर आंतरिक प्रोटीन हो सकती है, जो रक्त में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, अभी इसी एंटीजन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि एंटीजन, ठीक है, एंटीजन के कितने समूह होते हैं, दो समूह होते हैं। एंटीजन के कितने समूह होते हैं, दो समूह पाए जाते हैं। तो एंटीजन दो समूहों के रूप में पाया जाता है। मानव के शरीर के अंदर एंटीजन जो होते हैं वो दो समूहों के रूप में पाए जाते हैं, या मानव में प्रतिजन जो होते हैं वो दो समूहों के रूप में पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एबीओ तंत्र, एबीओ तंत्र या एबीओ समूह, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं आरएच तंत्र या आरएच समूह के नाम से उसे जाना जाता है। एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज क्या है। ठीक है, हमने आपको बता दी कि एंटीबॉडीज जो होती है वो किस में पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली संरचना होती है, प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली संरचना को ही क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। यानी कि ये एंटीजनों के विरुद्ध जो प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी कि एंटीजन जो होते हैं उनके विपरीत बनने वाली संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहते हैं। एक परिभाषा तो हमने ये दी कि प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, या शरीर के अंदर मानव के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो क्षमता को ही क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। कि मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और उन रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये जो क्षमता होती है, ठीक है, ये जो क्षमता होती है वो WBC से क्या होती है, विकसित होती है। ये क्षमता कौन सी, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो WBC से ही क्या होती है, विकसित होती है। बात समझ आ गई।
एक बार फिर हम आपको एंटीजन की ओर ले जा रहे हैं कि एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। मनुष्य में एंटीजन जो होते हैं उनके कितने समूह पाए जाते हैं, दो समूह पाए जाते हैं, एबीओ तंत्र और दूसरा कौन सा पाया जाता है, आरएच तंत्र पाया जाता है। देखिए हम सबसे पहले यहां पर रुधिर समूह की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, रुधिर समूह की बात करने जा रहे हैं। देखिए हम आपको एक बार एनसीईआरटी के अनुसार बता रहे हैं, फिर आपके आरबीएसई के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो रुधिर समूह होते हैं ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। रुधिर समूहों की खोज, कौन कौन से रुधिर समूहों की खोज मैं आपको बता दूं, रुधिर समूह की खोज कार्ल लैड स्टीनर ने की। किसने की? कार्ल लैड स्टीनर ने खोज की। और कार्ल लैड स्टीनर ने कौन से रुधिर समूह की खोज की? कार्ल लैड स्टीनर, कार्ल लैड स्टीनर नाम का जो वैज्ञानिक था उसने कौन से रुधिर समूह की खोज की? उसने ए, ए बी और किसकी खोज की? देखिए ए की खोज की, ए बी की खोज की और बी की खोज की। रुधिर समूह ए, रुधिर समूह बी और रुधिर समूह ए बी की खोज कार्ल लैड स्टीनर के द्वारा की गई। जो ओ समूह है, इस ओ समूह की जो खोज की गई थी, ओ समूह की जो खोज की गई थी वो मैं आपको बता दूं किसके द्वारा की गई थी, कॉस्टेलो, कॉस्टेलो एवं स्टूली नाम के वैज्ञानिक ने की। कॉस्टेलो और दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्टूली। कॉस्टेलो और स्टूली नाम के वैज्ञानिक ने और रुधिर समूह की क्या की थी? खोज की। ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या है? दे रखा है। किसमें दे रखा है? एनसीईआरटी की बुक में। तो अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखना आपको कि एनसीईआरटी के अनुसार रुधिर समूह जो होते हैं उनकी खोज कार्ल लैड स्टीनर ने की, खास तौर से ए, ए बी और ए बी, ये तीन रुधिर समूह की खोज तो कार्ल लैड स्टीनर ने की थी और रुधिर समूह की खोज कॉस्टेलो और स्टूली नाम के वैज्ञानिक ने की। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अनुसार बता दिया है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एंटीजन जो होते हैं उनके कितने समूह होते हैं, दो, एबीओ और दूसरा होता है आरएच तंत्र। एबीओ और कौन सा तंत्र होता है? आरएच तंत्र। देखिए एबीओ तंत्र की खोज 1900 ईस्वी के अंदर, एबीओ तंत्र की खोज 1900 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैड स्टीनर। कार्ल लैड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी के अंदर एबीओ तंत्र की क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। तो एबीओ तंत्र की खोज किसने की थी? कार्ल लैड स्टीनर ने 1900 ईस्वी के अंदर की थी। और इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। कार्ल लैड स्टीनर ने बताया कि इसमें दो कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, इनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी क्या है, रक्ताणु की क्या पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। किसकी सतह पर पाए जाते हैं? रक्ताणु की सतह पर। रक्ताणु का मतलब आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ऐसा कार्ल लैड स्टीनर ने कहा। ये एबीओ तंत्र के रुधिर समूह जो होते हैं ये ग्लाइको प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये ग्लाइको प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइको प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है, मैंने आपको बता दी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है। और एंटीबॉडीज भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसलिए मनुष्य में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर, मनुष्य में एंटीजन और एंटीबॉडीज की उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गई? तो मनुष्य में एंटीजन और एंटीबॉडीज की उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूहों को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? चार समूहों के अंदर, या रुधिर समूह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं।
आइए हम चार प्रकार के रुद्र समूहों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए देखिए रुद्र समूह एक पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप एक पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, उन सभी का रुधिर समूह समान नहीं होता है, बल्कि सभी का रुधिर समूह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं रुधिर समूह ए। रुधिर समूह जो ए होता है उसके अंदर प्रतिजन यानी कि एंटीजन जो होते हैं वो कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। रुधिर समूह ए में प्रतिजन ए पाया जाता है, जबकि प्रतिरक्षा के रूप में एंटीबॉडीज के रूप में इनमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है। रुधिर समूह ए में प्रतिजन ए पाया जाता है तथा प्रतिरक्षा क्या पाई जाती है, बी पाई जाती है। अब आपको बता दें कि ए रुधिर समूह का जो व्यक्ति है वो किन किन व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है, ठीक है। तो ए रुधिर समूह वाला जो व्यक्ति है वो रुधिर किन किन को दे सकता है, ठीक है। तो रुधिर समूह ए को जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह ए है उसको ए रुधिर समूह का व्यक्ति क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। मान लीजिए मेरा रुधिर समूह ए है, ठीक है, मेरा रुधिर समूह ए है और मनोज का रुधिर समूह भी ए है, तो मनोज को मैं रुधिर दे भी सकता हूं और उससे क्या कर सकता हूं, ले भी सकता हूं। तो रुधिर कौन को, रुधिर समूह ए व्यक्ति वाला जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह ए है वे व्यक्ति किन को रुधिर दे सकते हैं, तो ए व्यक्ति ए रुधिर समूह वाले व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है, या जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह कौन सा है, ए बी है, उनको भी क्या है वो रुधिर दे सकते हैं। अब लेने की बात करें तो ए रुधिर समूह वाला व्यक्ति, मैं ए रुधिर समूह वाला व्यक्ति हूं तो मैं किन व्यक्तियों का रुधिर ले सकता हूं। देखिए मैं केवल एक व्यक्ति से ही क्या है रुधिर ले सकता हूं, जिस व्यक्ति का रुधिर समूह ए है उससे मैं ए रुधिर समूह का रक्त ले सकता हूं, क्योंकि मेरा भी रुधिर समूह क्या है, ए है। साथ में हम ओ रुधिर समूह के व्यक्ति का भी रुधिर क्या है, ले सकते। आपको पता लग गया है कि रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति किसको तो रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। तो ले तो ए से सकता है और ओ से सकता है, दे किसको सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। आपको बता दें भारत के अंदर 23% लोगों के अंदर रुधिर समूह ए पाया जाता है। भारत में कितने परसेंट लोगों के अंदर रुधिर समूह ए पाया जाता है, 23% लोगों के अंदर रुधिर समूह ए पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं रुधिर समूह बी के बारे में, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करता हूं। मान देखिए जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह बी है तो उनके रुधिर समूह के अंदर प्रतिजन क्या पाया जाता है, एंटीजन जो है वो बी पाया जाता है, परंतु उनमें प्रतिरक्षा के रूप में क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षा ए पाई जाती है। देखिए उल्टा हम है, रुधिर समूह ए में प्रतिजन ए है, ठीक है, और प्रतिजन यहां पे रुधिर समूह बी के अंदर प्रतिजन क्या है, बी है, ठीक है। प्रतिरक्षा के रूप में रुधिर समूह में बी है तो रुधिर समूह बी के अंदर प्रतिरक्षा क्या है, ए है। देखिए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति किन से रुधिर ले सकते हैं और किन को रुधिर दे सकते हैं, तो किन व्यक्तियों को रुधिर दे सकते हैं और किन व्यक्तियों से रुधिर ले सकते हैं, देखिए तो दे किन किन को सकती है। बी रुधिर वाला व्यक्ति, बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति, बी रुधिर वाले रुधिर समूह वाले व्यक्ति को ही रुधिर दे सकता है। तो एक तो बी रुधिर समूह को रुधिर दे सकता है और एक ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को बी समूह वाला व्यक्ति रुधिर दे सकता है। ले किससे सकता है, बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है या फिर ओ समूह वाले व्यक्ति से रुधिर क्या है, ले सकता है।
आपको बता दो भारत के अंदर ठीक है बी रुधिर समूह के व्यक्ति कितने परसेंट पाए जाते हैं, 34.5% लोग बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह बी होता है ठीक है वे व्यक्ति भारत में कितने परसेंट पाए जाते हैं, 34.5% लोग पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं ए बी रुधिर समूह के बारे में। देखिए ए बी रुधिर जो समूह वाले व्यक्ति होते हैं ठीक है उनके अंदर प्रतिजन तो ए बी पाया जाता है और प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है। जिन व्यक्तियों का रुधिर समूह क्या है ए बी है उनमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन कौन से पाए जाते हैं, ए बी पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है, बी भी पाया जाता है। परंतु ए बी व्यक्ति के द्वारा इनके अंदर ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा क्या है इसका अभाव होता है, प्रतिरक्षा क्या होती है इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडीज एब्सेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप। देखिए तो ये ए बी प्रतिरक्षा यानी कि ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्तियों के अंदर जब प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है तो इसी कारण से ये किसी भी व्यक्ति का रुधिर क्या है ले सकते हैं ठीक है, किसी भी व्यक्ति का रुधिर क्या है ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं ठीक है। तो ले का मतलब ये ए रुधिर समूह का व्यक्ति का भी रुधिर ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं, ए बी का भी ले सकते हैं और ओ का भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। इसलिए ए बी रुधिर समूह को सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह भी कहा जाता है। ए बी को सार्वत्रिक रुधिर ग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी रुधिर समूहों के व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, ए रुधिर समूह वाले व्यक्ति से भी ले सकता है, बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति से भी रुधिर ले सकता है, ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, ओ समूह वाले रुधिर से भी क्या है रुधिर ले सकता है ठीक है। केवल ये दे सकता है तो किसको दे सकता है ये ध्यान रखने के बाद ये कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये केवल रुधिर अगर देगा तो ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को ही रुधिर दे सकता है और किसी व्यक्ति को ये रुधिर नहीं देगा। भारत में ए बी रुधिर समूह के व्यक्ति कितने परसेंट पाए जाते हैं, 7.5% लोग, 7.5% लोग ए बी रुधिर समूह के व्यक्ति क्या है इंडिया के अंदर क्या है पाए जाते हैं। देखिए अब हम आपसे बात कर रहे हैं ओ रुधिर समूह के बारे में। देखिए ओ रुधिर समूह के बारे में देखिए और रुधिर समूह के अंदर क्या है प्रतिजन क्या है नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन इज एब्सेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजनों का क्या होता है अभाव होता है। केवल इनमें क्या पाई जाती है ओ समूह वाले व्यक्तियों के अंदर प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडीज पाई जाती है और इनमें एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है और एंटीबॉडी बी भी पाई जाती है। तो और रुधिर समूह में प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, प्रतिरक्षा ए भी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है। देखिए और रुधिर समूह वाले व्यक्ति किनको रुधिर दे सकता है और किन से क्या है रुधिर ले सकता है, तो देने की बात करते हैं। देखिए और रुधिर समूह वाला व्यक्ति ए को भी रुधिर दिया था इसने, देखो बी को भी रुधिर इन्होंने दिया था और ए बी को भी इन्होंने रुधिर दिया था, साथ में ये ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति को भी क्या है रुधिर दे सकता है। ओ रुधिर समूह वाला व्यक्ति जब सभी को रुधिर दे सकता है तो इसे क्या कहा जाता है रुधिर दाता या इसे सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ओ रुधिर समूह को सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह भी कहा जाता है, ए बी रुधिर समूह को सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह भी कहा जाता है। ले किससे सकता है आपको बता दिया, दे तो ये सबको सकता है पर ले केवल किससे सकता है जिस व्यक्ति का रुधिर समूह ओ है उसी व्यक्ति से ये रुधिर ओ समूह वाला व्यक्ति ले सकता है और किसी रुधिर समूह से रुधिर नहीं ले सकता।
भारत के अंदर 34.5% लोग, भारत में 34.5% लोगों का रुधिर समूह कौन से प्रकार का पाया जाता है? ओ प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। देखिए ये तो हमने आपको इंडिविजुअली पढ़ाया है, एक एक को पढ़ाया, अब हम आपको इसका चार्ट से समझाने जा रहे हैं। चार्ट से थोड़ा जल्दी याद रहेगा इसलिए हम इसका एक चार्ट के द्वारा भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ब्लड ग्रुप्स नंबर एक, दूसरा है एंटीजन। कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीबॉडी, ठीक है। किन व्यक्तियों को रुधिर, किन व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है और किन व्यक्तियों को, व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, किन व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है और भारत में कितने परसेंट लोग इस रुधिर समूह के पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में कितने परसेंट लोग इन रुधिर समूह के लोग पाए जाते हैं? सबसे पहले आपको बात कर रहे हैं ए रुधिर समूह, दूसरा हो गया बी रुधिर समूह, तीसरा हो गया ए बी रुधिर समूह और चौथा हो गया हमारा ओ रुधिर समूह। ए रुधिर समूह में एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। कौन सा रुधिर समूह पाया जाता है? रुधिर समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है। बी रुधिर समूह में एंटीजन कौन सा पाया जाता है? बी पाया जाता है। ए बी रुधिर समूह में एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं, क्लियर बात। जबकि ओ रुधिर समूह के अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उसको मैंने क्रॉस लगा दिया। अब बात करता हूं मैं प्रतिरक्षाओं के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। ए रुधिर समूह में एंटीबॉडी कौन से प्रकार की पाई जाती है? बी प्रकार की पाई जाती है। बी रुधिर समूह में एंटीबॉडीज कौन से पाई जाती है? ए प्रकार की पाई जाती है। ए बी रुधिर समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है और रुधिर समूह के अंदर एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है और कौन सी पाई जाती है? बी बी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये किन व्यक्तियों को रुधिर दे सकते हैं, ठीक है। तो ए रुधिर समूह वाला व्यक्ति ए रुधिर समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है या ए बी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, ठीक है। बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है या ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है? ए बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है? केवल ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को ही रुधिर दे सकता है और रुधिर समूह जो होता है वो सभी व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। ए ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है, ए बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है, ओ रुधिर समूह को भी दे सकता है। इसलिए ओ रुधिर समूह को सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर के नाम से इसे जाना जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किन व्यक्तियों को ये रुधिर, किन व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, लेने की बात कर रहे हैं। तो ए रुधिर समूह किससे रुधिर ले सकता है? ए रुधिर समूह से रुधिर ले सकता है या ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति है वो किन से रुधिर ले सकता है? बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है या ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? ए बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति जो होता है वो ए समूह वाले व्यक्ति से भी रुधिर ले सकता है, बी समूह वाले से भी रुधिर ले सकता है, ए बी रुधिर समूह वाले से भी ले सकता है, ओ समूह से भी रुधिर ले सकता है।
यानी कि ए बी रुधिर समूह जो होता है वो सभी से रुधिर ग्रहण कर लेता है, सभी रुधिर समूह वाले व्यक्तियों से रुधिर ग्रहण कर लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही। ग्राही का मतलब सभी का रुधिर ग्रहण करने में ये सक्षम होता है, इसलिए ए बी रुधिर समूह को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। तो ए बी रुधिर समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं और ओ रुधिर समूह को सार्वत्रिक दाता के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए ओ रुधिर समूह केवल किन से रुधिर लेगा, केवल ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति से ही क्या ले पाएगा, रुधिर ले सकता है। मैंने बताया कि भारत के अंदर ए रुधिर समूह वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी परसेंट पाई जाती है, 23.5% पाई जाती है। बी रुधिर समूह की, बी और ओ रुधिर समूह वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी पाई जाती है, 34.5% पाई जाती है। देखिए बी रुधिर समूह और ओ रुधिर समूह सर्वाधिक रूप से भारत के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 34.5% होती है। और 7.5% रुधिर समूह भारत में किन व्यक्तियों का पाया जाता है, ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्तियों का पाया जाता है। तो ये हमने आपको ब्लड ग्रुप को किसके द्वारा, चार्ट के द्वारा क्या है यहाँ पर हमने समझा दिया। अब हम आपको दो तीन टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझना। एक पढ़ाएंगे हम रुधिर का आद्यान ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और दूसरा हम आपसे पढ़ेंगे समूहन एग्लूटिनेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। सारणी आपको समझ आ गई होगी, मैंने इंडिविजुअली पढ़ा दिया है और इसको सारणी के जरिए भी आपको क्या है बता दिया है। देखिए जी अब हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, रुधिर आद्यान, रुधिर आद्यान इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। रुधिर आद्यान क्या है, ठीक है, उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इसको समझाने के लिए आप देखिए, देखिए कई बार कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या उनके अंदर क्या होती है, एक भयानक बीमारी हो जाती है। जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी बीमारी से, ठीक है, बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, किसी रोग से बहुत ज्यादा उनके अंदर संक्रमण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर में रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी होने के कारण, कोई रोग होने के कारण उनमें रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब रक्त की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में रक्त की आपूर्ति करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से रक्त लेकर के और उस व्यक्ति को क्या है, चढ़ाया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति से रुधिर लेकर के, एक स्वस्थ व्यक्ति से रुधिर लेकर के और उस रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रुधिर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या उसे रुधिर आद्यान कहते हैं, ठीक है। रुधिर आद्यान की परिभाषा क्या हुई, ध्यान से सुनना, कि किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में किसी कारण से रक्त की कमी हो जाए, किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी कारण से क्या है, रुधिर की कमी हो जाए। किसके कारण होती है रुधिर की कमी, या तो भयानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है, या उसके अंदर किसी प्रकार का क्या हो गया है, रोग उत्पन्न हो गया है, या क्या हो गया है, उसके अंदर किसी प्रकार का क्या हो गया है, रोग उसके अंदर क्या हो गया है, उत्पन्न हो गया है। तो ये दो कारण होने के कारण ये दो रोग होने के कारण, या तो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, या फिर मैंने आपको बताया उनके अंदर किसी रोग के कारण उनके शरीर में रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है,
और जब उनके अंदर रक्त की कमी हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति से रक्त को लेकर के उसके शरीर के अंदर रक्त का क्या किया जाता है, आधान किया जाता है, रक्त की आपूर्ति की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। परिभाषा में आपको बुक के अनुसार बता दे रहा हूं, ठीक है, कि देखो दो परिभाषा दूंगा मैं, एक तो बुक की दूंगा और एक मैं आपको जनरली परिभाषा देता हूं, वो दोनों ही देने का प्रयास करूंगा। किसी व्यक्ति के शरीर में किसी कारण से रक्त की कमी होने पर दूसरे व्यक्ति से रक्त को लेकर के उसमें रक्त को स्थानांतरित किया जाता है, उसे रक्त आधान कहते हैं। या एक स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति में रुधिर के स्थानांतरण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, रक्त आधान कहा जाता है। एक रोगी व्यक्ति है और इस रोगी व्यक्ति में, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति से रुधिर का क्या किया जाता है, स्थानांतरण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, रक्त आधान कहा जाता है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बुक के अनुसार बता दी कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी कारण से रक्त की कमी होने पर दूसरे व्यक्ति से रक्त लेकर के उसे दिया जाता है या उसमें स्थानांतरित किया जाता है, उसे रक्त आधान कहा जाता है। देखिए रक्त आधान से पूर्व, ये ध्यान से सुनने की बात है, रक्त आधान से पूर्व दाता और ग्राही व्यक्तियों का रुधिर ग्रुप जो है उसकी क्या कर लेनी चाहिए, ठीक से जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि रक्त का अध्ययन करने से पूर्व जो देने वाला है दाता है और जो व्यक्ति ग्रहण करने वाला है अर्थात जो ग्राही व्यक्ति है उनके रुधिर ग्रुपों की, ठीक है, क्या कर लेनी चाहिए, आवश्यक रूप से उनका क्या कर लेना चाहिए, मिलान कर लेना चाहिए या उन रुधिर समूहों की आवश्यक रूप से जांच कर लेनी चाहिए। यदि रुधिर समूह बिना मिलान किए किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, अध्ययन किया जाता है, यदि रुधिर समूह को बिना मिलान किए हुए, ठीक है, उसका यदि अध्ययन किया जाता है तो मनुष्य के शरीर के अंदर समूहन की क्रिया हो जाती है जिसके कारण ग्राही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि समूहन क्या है, ठीक है। तो रुधिर आधान तो मैंने आपको बता दिया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और रक्त की कमी दो कारणों से होती है, या तो वो मनुष्य दुर्घटना ग्रसित हो जाता है या फिर उसके अंदर क्या है, कोई रोग उत्पन्न होता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की कमी होने पर दूसरे व्यक्ति से रक्त लेकर के उस व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है, स्थानांतरित करने की क्रिया को रुधिर आधान कहते हैं। इसलिए दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, स्वस्थ व्यक्ति हो गया, और ये कौन से व्यक्ति हो गया है, रोगी व्यक्ति हो गया। इससे मैंने आपको सीधी परिभाषा की दी कि स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति में रक्त को स्थानांतरित करने की क्रिया को, पहुंचाने की क्रिया को, देने की क्रिया को, आध्यान करने की क्रिया को रुधिर आध्यान कहा जाता है। देखिए रुधिर समूहन पर आपसे बात कर रहे हैं, रुधिर समूहन या आश्लेषण, रुधिर समूहन ने बोले तो आश्लेषण के नाम से इसे जाना जाता है। आश्लेषण आपसे पूछा जाता है, रुधिर आश्लेषण क्या है या रुधिर समूहन क्या है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड एग्लूटिनेशन, गुलिटिनेशन के नाम से इसे जाना जाता है, एग्लूटिनेशन। देखिए रुधिर समूहन या रुधिर आश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति का, एक व्यक्ति यह है और दूसरा व्यक्ति यह है, इस व्यक्ति का मान लीजिए रुधिर समूह, एक व्यक्ति का रुधिर समूह मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स और दूसरा व्यक्ति है वाई, और ए व्यक्ति का रुधिर समूह कौन सा है, ए, और ये जो वाई व्यक्ति है इसका रुधिर समूह मान लीजिए कौन सा है, बी है। अब हमने क्या किया कि किसी एक व्यक्ति के रुधिर में, ये एक व्यक्ति का रुधिर है,
उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के भिन्न रुधिर समूह को क्या किया जाता है, भिन्न रुधिर समूह को क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। अर्थात वाई व्यक्ति का रुधिर किसको अध्ययन कर दिया जाता है, एक्स समूह के व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, अध्ययन कर दिया जाए। तो इस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो एंटीजन होंगे और एंटीबॉडीज होंगी, एंटीजन और क्या होगी, एंटीबॉडीज होगी। ये एंटीजन और एंटीबॉडीज ठीक है अपनी प्रतिक्रियाओं को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। और इन एंटीजन और एंटीबॉडियों के अंदर प्रतिरक्तियां यानी कि प्रतिक्रिया के कारण इनके जो रक्ताणु होते हैं वो परस्पर क्या हो जाते हैं, प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। और प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं तो इनके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज परस्पर चिपक करके गुच्छे का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम रक्त समूहन की क्रिया कहते हैं। हम सीधे शब्दों में कहें कि यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में किसी दूसरे व्यक्ति के भिन्न रुधिर समूह को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एंटीजन और एंटीबॉडीज परस्पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज चिपक करके गुच्छे का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप जब गुच्छे का निर्माण हो जाएगा तो उसके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होगा, उनके शरीर के विभिन्न ऊतक अंग और तंत्र तक रुधिर का आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे रुधिर समूहन या उसे रुधिर असंश्लेषण कहा जाता है। एक बार रुधिर समूहन की परिभाषा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर समूह में किसी दूसरे व्यक्ति के भिन्न रुधिर समूह को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया के कारण उनके रक्ताणु परस्पर चिपक करके गुच्छे का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को समूहन या उसे आश्लेषण कहा जाता है, आश्लेषण कहा जाता है ठीक है। अर्थात हम ये सीधी बात ये करें कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का रुधिर समूह क्या है, भिन्न है। ए व्यक्ति का भी रुधिर समूह ए है, इसका भी है। इस व्यक्ति का रुधिर समूह इसको दे दिया जाए, इसका रुधिर समूह ए है, इसका रुधिर समूह जब इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो रुधिर समूह कौन सा है, बी है। तो ए और बी रुधिर समूह जब उसके शरीर में दोनों मिलेंगे तो वहां पर दोनों की एंटीजन और एंटीबॉडीज भिन्न होंगी, एंटीजन और एंटीबॉडीज भिन्न होगी तो उनके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करेगी, जिसके फलस्वरूप उनके एंटीजन और एंटीबॉडीज परस्पर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वहां पे गुच्छे का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही रक्त समूहन कहा जाता है। गुच्छे के निर्माण के पश्चात उनमें रुधिर का प्रवाह बंद हो जाता है, उनके उसके शरीर के अंदर जो ऊतक होते हैं, अंग होते हैं और तंत्र होते हैं उन तक रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे रक्त समूहन या असंश्लेषण कहा जाता है। देखिए आज हमने आपको बताया, ध्यान से सुनिए कि मनुष्य में एंटीजन के दो समूह होते हैं, एक होता है एबीओ तंत्र और दूसरा है आरएस तंत्र। आज हमने एबीओ तंत्र पर ही बात की है, नेक्स्ट क्लास में हम आरएस तंत्र पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ एट योर होम, थैंक यू वेरी मच।